नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, 12th क्लास के भी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जेई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि पूरा महाभारत का युद्ध यहाँ पर चला हुआ है, और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये जरूरी है कि सभी के पास में मोबाइल फोन है, तो मेहनत के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, पर प्लीज एक महीने के लिए वो एंजॉय बंद कर देना। अभी जो अगला एक महीना है, 1.5 महीना 2 महीना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। चलिए, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का क्लास 10th के लिए, है ना, चाहे आपका बेसिक मैथमेटिक्स है और चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, सीबीएसई बोर्ड के लिए ये सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। दूसरे बोर्ड के बच्चे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हर एक बोर्ड में है, ठीक है ना। तो उन्हें मैं फटाफट से आप लोगों के लिए बताता हूँ और फिर उसका 100% सॉल्यूशन दूंगा। इसी तरीके से साइंस का पेपर, चैप्टर वाइज पेपर भी मैं आपको बनाऊंगा, यानी कि मैं आपको हर तरीके से हेल्प लगातार करता रहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, के अंडर रूट 5 या फिर 3 माइनस 7 अंडर रूट 5, इसको आप इरेशनल नंबर है ये आप शो करिए। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में आने वाला है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो 3 मार्क में आएंगे या 5 या 4 मार्क में आएंगे, यानी कि बड़े क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर 2 से है, आपको वेरीफाई करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए दिया हुआ है और इसे आपको वेरीफाई करना है, यानी कि इसके जीरोज निकालने हैं और फिर आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों तरीके से निकालने हैं, यानी कि फॉर्मूले से भी और साथ की साथ में आपको निकालने हैं मिड टर्म ब्रेक करके भी। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा है चैप्टर नंबर 3 से, और चैप्टर नंबर 3 का नाम आपने सुना ही होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई है और इन्हें आपको सॉल्व करना है बच्चों। रिड्यूसिंग करके आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पेपर में अगर रिड्यूसिंग लिखा होगा तो आपको रिड्यूसिंग मेथड से ही करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर, आपने चैप्टर 3 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए, तो भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कौन ही छोड़ सकता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है 2 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट का एक नंबर है और उसका जो रिवर्सिंग नंबर है, दोनों का सम अगर 66 है और उन डिजिट का डिफरेंस अगर 2 है, तो आपको बताने हैं कि वो नंबर या नंबर्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है यूनिट डिजिट को आप एक्स मान लीजिए, टेंस डिजिट को आप वाई मान लीजिए, नंबर आपका 10y+x हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर आपका 10x+y हो जाएगा, दोनों का सम 66 हो जाएगा नंबर्स का, और x माइनस वाई जो है वो 2 के इक्वल होगा। ध्यान रखें यहाँ पर y माइनस एक्स भी 2 के इक्वल हो सकता है, तो दोनों केसेस में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप चैप्टर 4 की तरफ भी आइए, चैप्टर 4 की तरफ हम आ जाते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जरूर आएगा, कोई और आया तो चॉइस में ये आ जाएगा। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर उससे जाना है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आर को बढ़ा देती है तो वो 1 घंटा कम टाइम लेती है अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने पर, तो आपको ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स मान लीजिए, बढ़ी हुई जो स्पीड है वो एक्स प्लस 5 हो जाएगी और फिर आपकी सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएगी 360/x - 360/x+5=1। ध्यान रखिएगा, रिवर्स मत कर दीजिएगा, आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इसी की चॉइस में भी आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये बेसिक वालों के लिए भी आ सकता है कि एक इक्वेशन आपको बनानी है और फिर आपको सॉल्व करनी है, दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन से कर लें और चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, ध्यान रखिएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना जरूरी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं, एपी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, है ना। आपको बताना है कि कितने मल्टीपल्स है 4 के जो 10 और 250 के बीच में है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। पहला जो मल्टीपल है वो 12 हो जाएगा, सबसे लास्ट का जो मल्टीपल है वो 248 हो जाएगा, और ए एन के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी की चॉइस में मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए एन दिया हुआ है
तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि एन की वैल्यू ढूंढते मत रहना, एन की वैल्यू एन ही होगी बच्चों। चैप्टर सिक्स को मैंने बहुत आसान बना दिया है बच्चों, कि आपको आएगी स्टेट करिए और प्रूव करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, और इसका जो दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी एक्सरसाइज का मैंने ये क्वेश्चन दिया है जहां पर बीपीटी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर सेवन पर, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, या उसके जैसा जो एग्जांपल है, तो वही क्वेश्चन मैंने दिया है कि एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है, यानी कि आप 0, y कोऑर्डिनेट इसके मान सकते हैं, और वो इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो पी ए इक्वल टू पी वी से सॉल्व करने पर आपका क्वेश्चन की वाई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। इसके साथ साथ ही बच्चों आपको बताया है कि एक्स और वाई में आप एक रिलेशन बनाइएगा, जबकि एक पॉइंट मान लो पी है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, तो ये इक्विडिस्टेंस से क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है। 7.2 एक्सरसाइज को कौन छोड़ सकता है, तो भाई वहां पर मैंने दिया है आपको पैरेललोग्राम का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम बना दें, इनके कोऑर्डिनेट रख लें, और लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व मत करिएगा बच्चों। इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करें कि इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो इस डायगोनल के मिड पॉइंट के इक्वल होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ ली है। चैप्टर आ जाते हैं बच्चों 8 पर, जो बहुत फेवरेट है आपका। 8 का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। 8.1 से आपका कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 8.2 से दो क्वेश्चन आने के चांस हैं, और 8.3 से भी दो क्वेश्चन आएंगे जो चॉइस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर 8.1 से मैंने क्वेश्चन दिया है कि 3 कॉटे अगर 4 के इक्वल है, यानी कि कॉटे 4/3 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर बता दीजिए, तो आप बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है हर एक टीचर का। एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा, पेपर सेटर तो इस क्वेश्चन को जरूर देना चाहेगा, जगह ही ना मिली तो वो अलग बात है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन 30 के इक्वल हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। 8.2 से वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। टेबल बनाने का तरीका हमारे चैनल पर दिया हुआ है बच्चों, अगर ना बने तो उसे जरूर मेरे से पूछिएगा। अब आ जाते हैं भाई 8.4 को एक्सरसाइज पर, जो जहां से दो क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आपको करने को होगा। तो ये मैंने आपकी बुक का ही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से ही आ जाने वाला है। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपकी बुक से ही दिया है, तो इन्हें आप प्रूफ बड़े आराम से कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आए, तो ये भी दोनों क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही दिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा। और इसके बाद में आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 10 पर, जो चैप्टर 10 में भी मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन ही दिए। इन्हें अगर आपको समझ नहीं आते तो मेरी क्लास में लगातार बनी रहिएगा बच्चों। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि आज 9:30 या 10 बजे मैं ग्राफी ऐप पर इन क्वेश्चंस के टोटल सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तो आप वहां पर मेरे साथ में जरूर जुड़ जाइएगा। इसके बाद में आ जाते हैं बच्चे मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन के दो चैप्टर है आपके सिलेबस में, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, और साथ के साथ कर्व सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम। कन्वर्जन के एक्सरसाइज को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पर टोटल सर्फेस ये एरिया ऑफ सेक्टर से, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने रखे हैं बच्चों आप लोगों के लिए कर्व सर्फेस एरिया और वॉल्यूम से। स्टेट्स की बात को भूला नहीं जा सकता, स्टेट्स बहुत स्कोरिंग होता है बच्चों, तो मैंने एक सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया है, क्योंकि डिजिट चेंज हो सकती हैं। आप एक क्वेश्चन के मीन, मोड और मीडियन तीनों निकाल के देख लो भाई, दो ही निकाल लो, तीसरा फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेना। और फिर मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देना चाहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको आने वाला है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भाई मेरे फेवरेट है प्लेइंग कार्ड, है ना, और प्लेइंग कार्ड से मैंने ये क्वेश्चन दिए, और साथ के साथ अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है। डाई से भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, सिंगल डाई से भी और डबल डाई से भी, है ना। तो ये क्वेश्चन से बच्चों इनके सॉल्यूशन लेकर मैं आ रहा हूँ 9:30-10 बजे के करीब ग्राफी ऐप पर, वहां पर आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।